गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं 9 और मैं जा रहा हूँ शॉप पे। थोड़ा लेट हो गया आज। मैं नहा धोकर तैयार हूँ, खाना वाना मैंने खा लिया है और मैं स्विमिंग पूल बाथ टब जो भी है लेके आया था उसमें नहीं नहा पाया क्योंकि रात को आ गई थी बहुत ज़्यादा आंधी, मिट्टी उड़ रही थी और काफ़ी देर तक आई रही थी उसमें मिट्टी और पता नहीं क्या क्या गिर गया। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या गिरा उसमें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में ना छोड़िए। और आज कुछ मज़ेदार होता है तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और अब चलते हैं शॉप पे। बाइक भी बिल्कुल गंदी हो गई थी, मैंने साफ़ किया इसको अभी अभी, मिट्टी मिट्टी थी, परसों हो गई थी बारिश में। तो चलो अब चलते हैं शॉप पे, मैं दिखाता हूँ आपको बाथ टब में क्या क्या गिर गया था। गंदा पानी हो गया बिल्कुल ही, तो इसमें नहाने का मन ही नहीं किया। ये देखो, ये पत्ते वगैरह मिट्टी मिट्टी वगैरह सब कुछ गिर गई थी इसमें। इसको साफ करके फिर दो पैर को नहाएंगे। बाय बाय कनक। ये कनक देखो कैसे भागती जा रही है। हाँ कनक, कित मैं तो जाऊं हूँ कनक, जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ दुकान पे, दो पैर माऊँ वो। ठीक है ठीक है ना, क्यों ओ बैक मार दिया। हो गई स्टार्ट, चले कनक देख, बाय बाय बोल तो दे, बाय बाय हाथ करके। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ आंधी रात को आई थी, कुछ गड़बड़ हुई क्या नहीं हुई। तो गाइस दोपहर के 12:30 हैं और मैं सुबह ही अपनी शॉप पे आ गया था जैसे आप लोगों ने पीछे देखा। तो आने के बाद मैं अभी वीडियो शूट करने लगा हूँ। और बाहर का मौसम कैसा हो गया है ये देखो, बाहर आ रही है बारिश। मैं लेके आया स्विमिंग पूल गर्मी की वजह से नहाने के लिए, लेकिन अब मौसम एकदम चेंज हो गया। जैसे कल भी बारिश आई थी, कल नहीं परसों आई थी, और रात को फिर आंधी तूफान आया, ठंडी हवा चल रही है और आज फिर बारिश आ गई, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल ही पोपट सा हो गया ये तो। तो अब देखते हैं मेरे को खाना खाने के लिए घर जाना, मैं किस तरह से जा पाता हूँ। बारिश तेज़ होती है, रुकती है, क्या होती है, अगर नहीं रुकेगी तो या तो बाइक पर चला जाऊँगा, फिर देखता हूँ। अभी मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, आज लाइट भी कम ही आई है शायद, अभी तो इन्वर्टर से चल रहा है पंखा, रात को भी लाइट नहीं आई क्योंकि मौसम ख़राब था ना। चलो तो गर्मी से तो राहत मिल गई बारिश की वजह से। तो गाइस मेरा भाई का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट, उसके सब्सक्राइबर 4,99,000 हो गए हैं। मेरे फ़ोन में तो इतना ही दिखाता है लेकिन कुछ ज़्यादा ही है, तो मेरे हिसाब से मेरे फ़ोन के हिसाब से 1,000 बाकी है पूरे 5 लाख होने में, तब भी 5 लाख होते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता हूँ। और मेरे भाई का दूसरा चैनल है एक और, उस पर 76,000 हो चुके हैं, उस पर अभी बाकी हैं, मतलब 1 लाख होने में 24,000 के लगभग बाकी हैं, वो होंगे तब भी मैं दिखाता हूँ लोगों को। और अभी टाइम हो चुका है, दोपहर का 1:30 बज चुका है, मैं घर जाने जाऊँगा थोड़ी देर में। पहले चला जाता लेकिन किसी को केक चाहिए था और वो अभी थोड़ी देर में लेने के लिए आएगा, उसने लेट कर दिया, मेरे को भूख भी लग रही है तो मैंने कॉल की थी, कह रहा है कि आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, तो आ जाता फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगा खाना खाने के लिए। मेरे बाल भी काफ़ी बड़े हो गए हैं देखो, इतने बड़े बाल नाई के पास जा नहीं सकते, देखूँगा जाऊँगा कि नहीं फिर। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे बाद में घर पे। तो भाई अभी 4 बज चुके हैं और मैं घर पे आ गया था, मैंने खाना खाया, मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाया था और फिर मैं सो गया, रात को नहीं सो पाया क्योंकि रात को आंधी आ गई थी। हाँ अच्छा नजदीक कर रही कनक, देखो कैसे कर रही कनक, इस साइड आ, ये कनक तरबूज खाएगी, मैं भी तरबूज खा रहा हूँ, वाटरमेलन काफ़ी बड़ा है, आएगा कनक, हाय हाय। तो अब मैं जल्दी से खा करके शॉप पे जाऊँगा, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि 4 बज गए हैं। ना यादू को बड़ा आंसर है।
भाई से, तो हम ये नज़दीक एक गाँव है वहाँ पे जाएंगे, इसको कुछ काम है थोड़ा सा। ये गवर्नमेंट में कुछ काम, मतलब गवर्नमेंट जॉब करता है। रोड खराब आ रहा अभी, खड़ा। तो अभी ये क्या काम करता है वो मैं आपको जा करके दिखाता हूँ। तो ये आप लोगों में नहीं बताया, जो मेरा दोस्त है ये है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, तो इसने ये गांव में देखो ये बिल्डिंग बनवाई है, और ये ऐसे ही ठेके लेता रहता है, तो ये सारे इसने बनवाए हैं। ये इसको चेक करने के लिए आया है सीमेंट के लेकर छत्ती जा करके, तो पता नहीं क्या है, मैंने पूछा नहीं है क्या चीज़ है ये, तो इसमें कुछ कमी है वो भी चेक करने के लिए आया था। तो ये यहाँ पे अभी मेजरमेंट किया इसका, तो अभी गाइस रात के बजे हैं 8:30, और मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आया था, और मैं नानी हुआ करके कनक चिल्ला रही है, कनक आ जा, और अब खाएंगे खाना, क्योंकि मैं कहीं चला गया था आप लोगों ने पहले देखा, तो इसमें लेट हो गया, और अब खाने खाएंगे। तूने खा लिया? लगभग सब ने खा लिया, मैं ही बाकी हूँ, भाई खा रहा अभी। तो आज खाने में बनाई है दाल, तो अभी खा लेते, खाना टेस्टी लग रही है। पूरे 24 घंटे हो गए स्विमिंग पूल को लाए गए वो वहाँ पे, और मैं एक बार भी नहीं नहाया उसमें, सिर्फ पार थी नहाया। ये देखो ये रहा, क्योंकि मैं दिन में था ही नहीं, और शाम के टाइम अब थोड़ी सर्दी थी और मैं नहा नहीं पाया। और कनक बिल्कुल नहीं रुक रही, कनक इनको उठा रही है, ये गोंड को कैसे देख रही है, बिल्कुल नहीं डरती, हाथ उठा लेती है। पर मैं तो कह रहा हूँ कभी बेयर गिल्स की तरह को खाने ना लग जाए तो अब सब ने खाना वाना खा लिया है, अब करेंगे सोने की तैयारी थोड़ी देर में। अभी 9:15 हो चुके हैं, थोड़ी देर में सोएंगे हम। आज हमारे घर की लाइट खराब हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। कल भी ये कनक देखो अपने आप ही झूल रही है कनक फिर झूल, पैर लगाए झूल कनक, ये देखो कनक जब सोती है 30 मिनट सोती है शाम के टाइम, ये देखो ऊपर पैर लगा के ये मेरे भाई ने चला रखा है, देखो क्या एनिमल। झूलने का ना झूल, बदकिस्मती से माता पिता को यहाँ थोड़ी मदद मिली है, अपन थोड़ी देर में सो जाएगी। पिछले साल पैदा हुए दो किशोर लोरी गई, कनक लोरी गई है, आगे हैरिस बास दुनिया के उन चुनिंदा शिकारी पक्षियों में से है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और रात के बज चुके हैं अभी 10, तो इस व्लॉग को मैं करने जा रहा हूं एंड, और इसका एडिट भी करना है, तो मेरे को लगभग 1.5 घंटा और लगेगा। तो व्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।